स्त्री 2 फिल्म का प्लॉट बवाली है, नया क्रिएटिव अंदाज है, साथ ही खूब सारा मसाला ह्यूमर और स्वैग भी है। ऐसे में फिल्म को बम्पर हिट बनाने के लिए मेकर्स ने जो कदम उठाए हैं वो फिल्म को पहले ही दिन से रेस में सबसे आगे बनाए हुए है। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं रही, दौड़ रही है। मेकर्स ने स्त्री 2 में ऐसी 5 बातें डाली है जो सुपर डुपर हिट की गारंटी है। पहली बात, गजब की कैमियो टाइमिंग। फिल्म में वरुण धवन और अक्षय कुमार और तमन्ना भाटिया की कैमियो शानदार है। फिल्म में तीनों ही कैमियो एकदम सही पॉइंट ऑफ टाइम पर हुए हैं। उससे भी अच्छी बात यह है कि किसी का कैमियो जबरदस्ती का ठूसा हुआ नहीं लगता। एक कहानी है जो एक किरदार को दूसरे से जोड़ रही है। अक्सर देखा जाता है कि फिल्म में महज गाना डालने के लिए एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस होता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जब अक्षय कुमार की एंट्री हुई तो उनकी कहानी काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी, बीच में उस कहानी को भी याद दिलाया जा रहा था। वहीं जब भेड़िया यानी वरुण धवन आए तो उस कहानी की भी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। और तीसरी तमन्ना भाटिया, जिनका स्पेशल सॉन्ग था, पर एक कहानी के साथ वो फिल्म में आई और गाना खत्म होते ही गायब नहीं हुई, आखिर तक उनकी कहानी बनी रही। दूसरी बात, राजकुमार राव श्रद्धा का सरकटे से सामना। हमारी सोच ऐसी बन गई है कि हीरो हीरोइन ही कहानी का डीएन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्त्री अपनी चोटी घुमाएगी और सरकटे का आतंक खत्म कर देगी, या फिर राजकुमार राव चंदेरी को फिर से बचाएंगे, या अक्षय कुमार और वरुण धवन ये कमाल करेंगे। पर कुछ भी वैसा नहीं हुआ। सरकटे को उसी ने खत्म किया जिसकी बेटी की शक्तियाँ वो खत्म करने आया था, यानी जीत स्त्री की हुई। तीसरी बात, अक्षय का सीटी मार कैमियो। जब ये पता लगा था कि स्त्री 2 में अक्षय कुमार का कैमियो होगा तो मन में ख्याल आने लगा या तो मेकर्स कॉमेडी के साथ एक्शन दिखाएंगे या फिर वो स्त्री की हेल्प करने उतरेंगे, जैसा कि उन्होंने भूल भुलैया में किया था। लेकिन ऐसा हुआ भी, पर जो अंदाज था वो सोच से परे था। अक्षय कुमार का फिल्म में जो किरदार है वो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। बस अक्षय को उसी तरीके से रहने और काम करने दिया जिसमें लोग उन्हें पसंद करते हैं, और हो गया कमाल। चौथी बात, कॉमेडी से भटके नहीं मेकर्स। जब हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाई जाती है तो इस दौरान कई चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक चीजों को संभाल कर चलना पड़ता है ताकि फिल्म की कहानी भटके ना, साथ ही जनता को कुछ ओवर ना लग जाए। हॉरर फिल्म है तो लड़ाई तो होनी थी, पर इसे केवल राजकुमार राव ने किया। अभिषेक बनर्जी, पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना को जो काम सौंपा गया था वो साइड से आखिर तक उसे बखूबी निभाते रहे। पांचवी बात, वरुण धवन यानी भेड़िया का अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। जी हाँ, वरुण धवन का फिल्म में कैमियो हुआ जो भेड़िया बनकर स्त्री की हेल्प करने आया था। जब श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव का सरकटे से फेस ऑफ होता है तब वरुण धवन भेड़िया बनकर आते हैं और कहानी नया मोड ले लेती है। पर इस तरह से उनका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी यानी जना के कैरेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा, ये तो मेकर्स ने कमाल कर दिया। दोस्त के घर से भागने के बाद वो ऐसी एंट्री लेगा, सबके दिमाग से परे की बात थी। कुल मिलाकर यही 5 बेस्ट बातें हैं जिसकी वजह से स्त्री 2 का बस 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कमाई के मामले में फिल्म ने तूफान ला दिया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।